छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता द्वारा अपने मताधिकार की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। अब तक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां विकास के कोई भी कार्य नहीं होने के कारण वहां की जनता ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ठीक ऐसा ही मामला बालोद जिले से सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का डोंडी लोहारा विधानसभा, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और विधानसभा सीट भी आदिवासी आरक्षित है, वहां के ग्राम पंचायत कमकापार आश्रित ग्राम कुरुपाट के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। वैसे तो यह खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन यहां विकास की उल्टी धारा बहती है। आश्चर्य की बात यह है कि यह महिला बाल विकास मंत्री का ब्लॉक होने के बावजूद स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संबंधी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। लगातार ऐसे मामलों का सामने आना शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है, और इस स्थिति में ग्रामवासियों ने स्वयं भी अपनी कमर कस तैयार हो चुके हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन की बात भी कही गई है। ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन इन मुद्दों पर किस तरह के निर्णय लेते हैं। हमारा समस्या बहुत सा है, लेकिन हमारा समस्या ये है कि जो वन अधिकार, वन प्रबंधन अधिकार जो यह किए हैं, दावा किए हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। करीब 1.5 साल हो चुका है उसको आवेदन नहीं मिल चुका है, अधिकार नहीं मिला है, और रोड जर्जर हो चुका है, रोड बहुत परेशानी है चलने में, इसलिए वो भी अधिकार नहीं मिला है। इसलिए हम ग्राम सभा बैठ करके दावा चुनाव बहिष्कार किए गए हैं, और बहिष्कार करके हमने ये ठाना है कि हमारे राजनीति दल गांव में प्रवेश करेगा उसे नहीं घुसने देंगे। वैसे तो हमारे गांव में बहुत से समस्या है ना, लेकिन आज तक जो भी हम लोग बोलते हैं करते हैं उसके लिए कोई भी ध्यान नहीं देता। इसलिए हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि यहाँ जो भी आएगा चुनाव में उठकर उसको घुसने नहीं देंगे, ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग हमारी मांग जो पूरा नहीं किएंगे तो हम लोग लड़ेंगे।